सो आज का फर्स्ट वर्ड है स्पष्ट करना, किसी चीज को स्पष्ट करना। तो स्पष्ट करना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लैरिफाई। क्लैरिफाई, अब इसका एग्जाम्पल है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई। एक और एग्जाम्पल है, तुम क्या स्पष्ट करना चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट टू क्लैरिफाई, वॉट डू यू वॉन्ट टू क्लैरिफाई। नेक्स्ट वर्ड है खुलकर बात करना। खुलकर बात करना, किसी भी टॉपिक पर बिना झिझके तो खुलकर बात करना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ओपन अप। ओपन अप, अब इसका एग्जाम्पल है, आपको हमेशा खुलकर बात करनी चाहिए, यू शुड ऑलवेज ओपन अप, यू शुड ऑलवेज ओपन अप। नेक्स्ट वर्ड है दवा देना, फीलिंग्स को दवा देना, जैसे गुस्से को दबाना या हंसी को दबाना या कोई भी फीलिंग्स हो उसको आप दवा देते हो, तो दवा देना, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे सप्रेस। सप्रेस, अब इसका एग्जाम्पल है, उसने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की, ही ट्राइड टू सप्रेस हिज एंगर, ही ट्राइड टू सप्रेस हिज एंगर। एक और सेंटेंस है इसका, अपनी भावनाओं को मत दबाओ, डोंट सप्रेस योर फीलिंग्स, डोंट सप्रेस योर फीलिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है आंसू बहाना। आंसू बहाना को इंग्लिश में बोलेंगे शेड टीयर्स, शेड टीयर्स। अब इसका एग्जाम्पल है, वो आंसू बहाने लगी, शी स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स, शी स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स। अब एक और एग्जाम्पल है इसका, आंसू बहाना बंद करो, स्टॉप शेडिंग टीयर्स, स्टॉप शेडिंग टीयर्स। नेक्स्ट वर्ड है पंगा लेना, किसी से पंगा लेना, तो पंगा लेना, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे मैस विथ, मैस विथ। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझसे पंगा मत लेना, डोंट मैस विथ मी, डोंट मैस विथ मी। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वर्ड है भाव खाना। भाव खाना को हम इंग्लिश बोलेंगे एक्ट प्राइजी, एक्ट प्राइजी। अब इस वर्ड का एग्जाम्पल है, ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइजी, डोंट एक्ट सो प्राइजी। एक और एग्जाम्पल है, ज्यादा भाव खाने की कोई जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड टू एक्ट सो प्राइजी, देर इज नो नीड टू एक्ट सो प्राइजी। नेक्स्ट वर्ड है ठेस पहुंचाना या तकलीफ देना किसी को, तो इसको हम इंग्लिश बोलेंगे हर्ट, हर्ट। अब इसका एग्जाम्पल है, किसी को ठेस मत पहुंचाओ, डोंट हर्ट एनी वन, डोंट हर्ट एनी वन। नेक्स्ट वर्ड है पीछा करना किसी का, तो पीछा करना, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे स्टॉक, स्टॉक। अब इसका एग्जाम्पल है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, समवन इज स्टॉकिंग मी, समवन इज स्टॉकिंग मी। नेक्स्ट वर्ड है सोया हुआ। सोया हुआ को हम इंग्लिश बोलेंगे अस्लीप, अस्लीप। अब इसका एग्जाम्पल है, बच्चा सोया हुआ है, द बेबी इज अस्लीप, द बेबी इज अस्लीप। नेक्स्ट वर्ड है जागा हुआ। जागा हुआ को हम इंग्लिश बोलेंगे अवेक, अवेक। अब इसका एग्जाम्पल है, बच्चा अभी भी जागा हुआ है, द बेबी इज स्टिल अवेक, द बेबी इज स्टिल अवेक। अब लास्ट वर्ड है फरार हो जाना, जैसे कैदी हो जाते फरार, तो फरार हो जाना, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड। अब इस वर्ड का एग्जाम्पल है, दो कैदी जेल से फरार हो गए, टू प्रिजनर्स एब्सकॉन्डेड फ्रॉम प्रिजन, टू प्रिजनर्स एब्सकॉन्डेड फ्रॉम प्रिजन। ये दोनों आज के क्विज हैं, आंसू बहाना और भाव खाना। लिखकर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में इसके आंसर, और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।